सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग जान गए होंगे कि आप लोग क्या जानने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि जो स्टेट वीडियो होती हैं उनमें जो टैम्पलेट्स यूज़ होती हैं इस तरीके की, वो टैम्पलेट्स कैसे बनाई जाती हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग जो ये वाली जो टैम्पलेट्स वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके की टैम्पलेट्स वीडियो कैसे बना सकते हैं। हालाँकि इस तरीके की जो वीडियो यूट्यूब पे किसी ने बना के नहीं डाली है, मैं बना के डाल रहा हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके की जो टैम्पलेट्स वीडियो है वो कैसे बनाई जाती हैं। गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके की टैम्पलेट्स वीडियो बनाना सीख लेंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है एडिटर के मास्टर हो जाएंगे। अगर आप लोग स्टेटस वीडियो के लिए इस तरीके की टैम्पलेट वीडियो बनाना सीखना चाहते तो आप लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूँ जो आप लोगों को किसी ने नहीं देगी होगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले आप लोग पिक्सल लैब अपने फ़ोन में जो है ओपन कर लेना और लिंक भी मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन को रोटेट कर लिया है और इस तरीके का पिक्सल लैब का जो इंटरफेस है वो देखने के लिए मिलेगा। और ये न्यू टेक्स्ट लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप लोग डिलीट वाले आइकन से क्लिक करके इसको ओके करके डिलीट करेंगे। यहाँ थ्री डॉट मिलेंगे, यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर मिलेगा इमेज साइज, यहाँ क्लिक करके आप लोग यहाँ पर जो है आगे 720 कर लीजिए यहाँ पर। और पीछे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वहाँ पर आप लोग को आगे 720 करना होगा, पीछे आप लोग को 1280 करना होगा यानी कि 1280 करना होगा और आगे 720 करना होगा। ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसका जो आप लोगों को कलर मिल रहा है यहाँ पे, इसका जो कलर है आप लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग, और इसका जो कलर है मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। और इसके बाद आप लोग इस वाले आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं लगेगा यहाँ पे ड्राव, ड्राव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए लगभग 40%। और यहाँ पे आप लोगों को इसमें लगेगा फिल इनसाइड, यहाँ पे आप लोग इसको सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग इसमें एडिटिंग करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग कर लेना यहाँ पर एडिटिंग और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो इतना काम आप लोग जो है सही से ठीक से कर लेना, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको ऑफ़ कर दीजिए और ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसमें काम शुरू कर दीजिए इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। सेम उसी तरीके से करना, जो कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन वीडियो आप लोग की बहुत ही कमाल की लगेगी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इसको आप लोग राइट करेंगे, राइट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिलेगा प्लस का आइकन, यहाँ क्लिक कीजिए, फ्रॉम गैलरी पे जाइए। और मैं आप लोग को एक फुटेज की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और इसको आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। राइट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग इसी वाले आइकन पे सेलेक्ट करके रखिए और यहाँ मिलेगा इरेजर, इरेजर पे जाइए और इसको इनेबल कर दीजिए। और इनेबल करने के बाद यहाँ पे इसका जो है वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और राइट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कलर, कलर पे जाइए, इनेबल कीजिए और यहाँ पे इसका कलर आप लोग यहाँ पे ब्लैक डाल देना, ठीक है, ब्लैक कलर है जो सेलेक्ट कर लेना, राइट कर देना। इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको जो है रोटेट कर लीजिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से फटाफट से इसको रोटेट कर लेता हूँ और आप लोग भी यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को जो है काम करके आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा जो है कॉपी, तो यहाँ पर आप लोग इसकी कॉपी बनाएंगे, यहाँ पर ये रहा कॉपी का आइकन, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसकी कॉपी बनाइए और यहाँ पर आप लोग इसको सेट करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे सेट कर रहा हूँ सेम आप लोग उसी तरीके से यहाँ पर सेट कर लीजिए। और फिर से मैं यहाँ पे इसकी जो है कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी बना के मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट करूँगा, ठीक है गाइस। और इतना काम होने के बाद गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे इसको राइट करना होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को इसका जो कलर है यहाँ पे, इसका जो आप लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करके कलर पे जाइए और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ब्लैक कलर, तो आप लोग यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। और आप लोग यहाँ पे इस वाले जो आप लोगों को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसमें जो कलर रहेगा यहाँ पे कलर पे आप लोग क्लिक करके सब में आप लोग वाइट डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा वाइट और इसके बाद यहाँ पे भी मैं कलर पे जाके सब में वाइट वाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी यहाँ से फटाफट से वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए।
अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कंप्लीट यहाँ पे काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, प्लस का जो आइकन मिल रहा है यहाँ क्लिक कर दीजिए आप लोग, एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग इसका जो कलर है, कलर पे आप लोग जो है यहाँ पे पेंसिल जो एक आइकन आ रहा है क्लिक करके आप लोग कलर पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग इसमें ब्लैक कलर डाल दीजिए, राइट कीजिए और यहाँ पे इसको नीचे सेट कीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को इसमें जो है मिलेगा एडिट, तो एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा फील दी, कैपिटल लेटर में आप लोग लिखिए फील दी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देके आप लोग अपने हिसाब से जो है सेट करके देख लीजिए कौन सा लेटर अच्छा लग रहा है, वही दे देना यहाँ पे। और यहाँ पे मैं फील दी यहाँ पे दे देता हूँ इसको। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग इसमें फॉन्ट में जाएंगे और फॉन्ट में जाके आप लोग ये वाला फॉन्ट दे देना, ठीक है, राइट कर लीजिए। और राइट करने के बाद फिर से आप लोग प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग को लिख देना होगा म्यूज़िक, तो आगे का कैपिटल लेटर, बाकी का आप लोग स्मॉल ले लीजिए, डन कीजिए, डन कीजिए, ओके। और कलर आप लोग यहाँ पर दे दीजिए रेड, रेड कलर देने के बाद यहाँ पे आप लोग फॉन्ट में जाएंगे, ये मिलेगा फॉन्ट, आप लोगों को यहाँ क्लिक कर देना। और मैं ही फॉन्ट में यहाँ पे मैं कोई फॉन्ट दे देता हूँ, तो आप लोग अपना जो है जो भी अच्छा फॉन्ट लगता है वो दे देना यहाँ पे। मैं ये फॉन्ट ना दे के मैं यहाँ पे अदर फॉन्ट दे देता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये वाला फॉन्ट दे देता हूँ और इसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। आप लोगों का जो भी यहाँ पे म्यूज़िक का फॉन्ट अच्छा लगता है दे देना, और स्ट्रोक इसकी इनेबल कर देना, और इसका जो है आप लोग स्टॉक विद इन आप लोग यहाँ पे 1% बढ़ा लेना, ठीक है, राइट कीजिए। और इसके मिलेगा शेडो, शेडो इनेबल कर देना यहाँ पे, और इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करेंगे और यहाँ पे आप लोग इसको इस तरीके से शेडो सेट करेंगे, राइट कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, अब आप लोग को यहाँ पे करना होगा इस वाले आइकन पे क्लिक, सेव एज इमेज पे क्लिक कर दीजिए और इसको आप लोग यहाँ पे जो मिलेगा कस्टम, यहाँ पे आप लोग इसको जो है वेरी हाई अल्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए, सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर लीजिए। अब गाइस आप लोग को यहाँ पे आना होगा काइन मास्टर पे, काइन मास्टर की भी लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद मिलेगा प्लस का आइकन, यहाँ क्लिक कर दीजिए, 9.60 का रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मीडिया आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो पिक्सल ऐप से फुटेज एडिट किया है तो वो आप लोग सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद राइट कीजिए, राइट करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसकी जो है लेंथ इस तरीके से बढ़ा देना, लेंथ बढ़ाने के बाद जितना ड्यूरेशन में वीडियो बनाना चाहते हैं टेम्पलेट की सिलेक्ट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे मैं ये ग्रीन स्क्रीन की जो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। और इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को आप लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको फुल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका जो है एक क्रोमा की मिलेगा, क्रोमा की पे जाइए, इनेबल कीजिए, और यहाँ पे आप लोग इसको जो है नीचे साइड में इसको सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ सेट कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा और जूम करके मैं यहाँ पे इसको जो है सेट कर लूँगा। इसके बाद इस लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, और मैं आप लोग को एक हार्ट जो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। और वीडियो को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ सेट कीजिए और यहाँ पे जाइए, आप लोग को ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो ब्लेंडिंग पे चले जाना और यहाँ पे आप लोग को मिलेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लीजिए। और मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को अब यहाँ पे आप लोग ऑडियो सेलेक्ट करेंगे, ऑडियो पे जाएंगे, ऑडियो पे जाने के बाद मेरे पास ऑडियो है तो मैं ऑडियो यहाँ पे डाल देता हूँ, जो ऑडियो आप लोग स्टेटस टेम्पलेट में लगाना चाहते हैं, ये वाला ऑडियो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है मैंने निभाया है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में, अब यहाँ पे आप लोग को जो है लिरिक्स टाइप करने होंगे, मैंने निभाया है, और इसको सर्च कर दीजिए। और यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हीरा मैंने निभाया है करके दिखाया है लिरिक्स, यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये लिरिक्स आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं लूँगा मैंने निभाया है करके दिखाया है, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ओ मैंने निभाया है करके दिखाया है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। मैनुअली आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, बाकी का लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग यहाँ से वेबसाइट से निकाल लेना। मैं जाता हूँ वापस से काइन मास्टर में, आगे आऊँगा, लेयर पे क्लिक करूँगा, टैक्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं उस जो है मैंने कॉपी किए मैं उनको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इनको सेट करूँगा, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लेके आऊँगा,
और इसको भी नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पे इसको भी नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, ये सेट हो चुका है, ओके कर दीजिए। और इसका कलर है, आप लोग जैसा कलर देना चाहते हैं दे देना, मैं रेड कलर दे देता हूँ। और थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा यहाँ पे। छोटा होने के बाद आप लोग फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाने के बाद आप लोग इसमें जो फॉन्ट डालना चाहते हैं वो फॉन्ट आप लोग यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काइन मास्टर में बहुत सारे फॉन्ट डाउनलोड करके रखे हैं, तो उनमें से मैं कोई फॉन्ट ले लेता हूँ। मैं ये फॉन्ट ना लेके मैं कोई अदर फॉन्ट ले लेता हूँ, ये वाला लेके देखता हूँ। तो यहीं से आप लोग इस तरीके के फॉन्ट ले लेना। और काइन मास्टर में आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, और इसकी लेंथ आप लोग इस तरीके से यहाँ बढ़ा देना। और बढ़ाने के बाद अब आप लोग का स्टेटस यहाँ पे रेडी है। अब एक काम और करना है, लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए। मैं आप लोग को एक जो पार्टिकल्स टेम्पलेट वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और ये पार्टिकल्स वीडियो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर लेना और यहाँ पे आप लोग इसको सेट कर लेना। ठीक है, ये इस तरीके से मैं सेट करूँगा यहाँ। अब मिलेगा यहाँ पर आप लोग इधर आ जाइए और मिलेगा ब्लेंडिंग, क्लिक कीजिए और स्किन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसका जो ऑडियो रहेगा यहाँ से सेलेक्ट करके ऑडियो ऑफ कर देना। अब मेरा स्टेटस पीछे से जो है ऑडियो एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर देना होगा। तो मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग ये जो मैं टैक्स है, मैं टैक्स लेता हूँ और यहाँ पर इनकी शेडो इनेबल कर देता हूँ। ये देख सकते हैं शेडो मैंने इनेबल की और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर इनकी शेडो, ये देख सकते हैं। अब ये शैडो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में। और बस आप लोग का जो है यहाँ पे स्टेटस टेम्पलेट रेडी हो चुकी है, वीडियो को प्ले करूँगा, ऑडियो ऑफ कर देता हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा स्टेटस वीडियो रेडी हो चुका है। ठीक है गाइस, टेम्पलेट्स को आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एरो वाले आइकन पे आप लोग यहाँ क्लिक कर दीजिए और इस टेम्पलेट को आप लोग फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लीजिए। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोग की जो वीडियो गैलरी में जाके सेव हो चुकी है। अब इस वीडियो को आप लोग कहीं पे भी किसी भी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। अभी मैं आप लोग को एक बार यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं वापस काइन मास्टर पर आ चुका हूँ और यहाँ पे 9.60 का मैं रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लूँगा और यहाँ पे आप लोगों को इसकी लेंथ बढ़ा लेनी होगी। और यहाँ पे आगे आ जाइए यहाँ पे और लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, जो वीडियो एक्सपोर्ट की है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, फुल इस तरीके से कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग टेम्पलेट पे जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग जाएंगे ब्लेंडिंग पे और ब्लेंडिंग पे आप लोग इसको स्किन को सेलेक्ट कर लेना। आगे आइए, लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए। अब आप लोग उन फुटेज को डालेंगे यहाँ पे जिन फुटेज से आप लोग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ से ये फुटेज ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं फड़ाऊँगा यहाँ पे और थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सेंड टू बैक कर दूँगा। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सेट करूँगा और आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है इधर से क्रॉप करूँगा और मास्क इसका इनेबल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेना और सेट कर लेना और ये देख सकते हैं हमारा फ़ोटोज़ यहाँ पे इस तरीके से सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो ऐड कर लेना। यहाँ पे मैं इसको जो है ओवरले एनिमेशन में जाके डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ इफेक्ट फ्लोटिंग। तो ये आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट डाल देना। मैं अभी आप लोग को ये जो है वीडियो बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इस वीडियो में मेरा जो टेम्पलेट बनाने का ट्यूटोरियल था वो मैंने आप लोग को सिखा दिया है। और आप लोग जो है इन टेम्पलेट को बना के आप लोग अपनी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं और कहीं पे भी आप लोग इस टेम्पलेट को किसी को भी दे सकते हैं, वो भी आप लोग की टेम्पलेट वीडियो से स्टेटस वीडियो इजीली बना लेगा। ठीक है गाइस, सो गाइस उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग इस तरीके की जो टेम्पलेट्स वीडियो है वो बनाना सीख गए होंगे। अगर आप लोग को टेम्पलेट्स वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को अभी रिप्लाई दे दूँगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस, नहीं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।